सबसे पहले हम अपना APK इंस्टॉल करेंगे, जो कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा हमारा MaxSpy का APK जिसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने टाइम हो सकता है ऐसी वार्निंग आपके पास आए, आपको इंस्टॉल एनीवे करके इसे कंटिन्यू कर देना है। और ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, इसे ओपन करिए। और ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप अपना हम अपने एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसे यहाँ डायलर से ओपन कर सकते हैं। डायलर से ओपन करने के लिए आपको *777# आपको डायल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के ये मेन्यू डिस्प्ले मतलब कि ओपन हो चुका है। आपको जब भी आप *777* जब भी आप डायल करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको लॉगिन कर लेना है। मेरी ईमेल आईडी से मैंने पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ, या फिर आप यहाँ पे क्रिएट करिएगा, या फिर आपको अगर पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिख रहे हैं, और इनमें से आपको जो जिस जिस का आपको मतलब कि रिकॉर्ड चाहिए आप उनके ऊपर टिक कर दीजिए, और जिसके आपको मतलब रिकॉर्ड नहीं चाहिए आप उनको अनटिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे GPS का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं URL भी नहीं चाहता हूँ, बस मुझे कॉल SMS और WhatsApp के मैसेजेस मेरे को चाहिए देखने के लिए, तो मैं उनमें टिक करके एक्सेप्ट कर लूँगा। और वो मेरा लोडिंग और कॉन्फ़िगर हो गया है। अब वो मैं जब भी चाहूँ अपने मतलब कि अब हम अपने MaxSpy के वेबसाइट पर जाकर के हम अपना डाटा चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम सर्च करेंगे MaxSpy और ये आ गया। फिर हम इसके बाद ये MaxSpy.com पे जाएंगे, फिर ये हमें लॉगिन का यहाँ पे एरिया मिलेगा, हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, हम उसी आईडी से लॉगिन करेंगे जिस आईडी से हमने पिछली बार लॉगिन किया हुआ था एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, GPS ट्रैकिंग, SMS, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, फोटोज, वेब ब्राउजिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप, वाइबर, जो भी है बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें से हमें जो भी चीज़ चेक करना है हम उसके ऊपर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। जैसे और यहाँ पे हमारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन भी हमें शो हो रहा है, जिसमें कि मॉडल नंबर है हमारा, मतलब डिवाइस नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम IMEI नंबर है। और जैसे कि अगर मुझे अभी चेक करना है कि GPS ट्रैकिंग करनी है तो मैं GPS ट्रैकिंग पे क्लिक करूँगा और मुझे मेरे मोबाइल का एक्चुअल लोकेशन मुझे पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे SMS हिस्ट्री चेक करनी है, या फिर कॉन्टैक्ट्स चेक करने हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करनी है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जा करके देख सकता हूँ। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग है, लास्ट टाइम मैंने इस नंबर पे कॉल किया हुआ था तो ये मेरे को शो हो रहा है। और साथ में मैं कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ, SMS हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी आपको चाहिए, जिस पर भी आपने ज़रूरत के हिसाब से टिक किया हुआ था वो आपको सब यहाँ पर मिलेंगे। फिर ओके,